सो गाइस, अगर आप है ना माइनक्राफ्ट में डायमंड फाइंड करने जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको एक भी डायमंड नहीं मिलेंगे। क्योंकि 1.20 में डायमंड की पोजीशन इस तरीके से चेंज कर दी गई है कि आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे, कितना भी आप ढूंढ लो, क्योंकि है ना उसकी पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा बदल दिया गया है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप है ना कौन से पोजीशन पे डायमंड फाइंड कर सकते हो। सच बोलो ना, 1.20 में डायमंड को इस तरीके से हिलाया गया है उसके जगह से कि आप कितना भी फाइंड करो आपको प्लस के ऊपर एक भी नहीं मिलेगा। अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको थोड़ी देर में समझ आएगा जब मैं आपको अच्छे से दिखाने वाला प्रूफ के साथ। मतलब है ना मुझे प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते तो आपने भी नोटिस किया होगा कि अभी डायमंड मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनकी ना जो पहले पोजीशन थे कोऑर्डिनेट फिक्स होता था, लेकिन अभी ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और ऊपर के कोऑर्डिनेट्स एकदम हटा दिया। मैं आपको ना ये बताने वाला हूँ कि आप डायमंड कहाँ पे ढूंढ सकते हो और कैसे ढूंढ सकते हो, क्योंकि है ना जो ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है और इससे आपको डायमंड का है ना एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको कितने मिल सकते हो। तो आप है ना अनलिमिटेड डायमंड फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ माइनक्राफ्ट 1.20 खेल रहा हूँ मैं, और देख सकते हो यहाँ पे ना आपको एक भी डायमंड नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि देख सकते हो जो भी प्लस है ना जीरो के ऊपर प्लस कोऑर्डिनेट वहाँ से एकदम डायमंड को ख़त्म ही कर दिया गया है। आप एकदम बहुत ही लकी होगी कि अगर इसके ऊपर आपको ना डायमंड मिल सके। जैसे कि देख सकते हो मैं 10 पे आ गया हूँ, बहुत लोग पहले 12 पे माइन करते थे, लेकिन 10 पे तो यहाँ पे एक भी आसपास नहीं है। मैं आपको थोड़ा दूर चल कर दिखाता हूँ। मतलब पता नहीं मोजैंग वालों को क्या चुल मची थी कि पूरा का पूरा डायमंड ही साफ कर दिया प्लस के ऊपर का। मुश्किल से बहुत ही रेयर चांसेस में आपको एक दो मिल सकता है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सारे के सारे डायमंड कहाँ पे जाकर छुप गए, मतलब उसको कहाँ पे सेट कर दिया मोजैंग वालों ने। 1.20 में कुछ अजीब सी चेंजेस हो गए, जो करना था वो नहीं किया, जो नहीं करना था वो कर दिया। देख सकते हो यहाँ पे आपको एक दो डायमंड देखने मिलेंगे, ये -2 के आसपास है, और यहाँ पे तो मुझे एक ये भी मिल चुका है भाई। चलो स्पॉनर के नाम पे एक लाइक ही कर दो। तो अभी ना मैं आपको दिखाता हूँ कि सारे के सारे डायमंड कहाँ बैठे हुए। जैसे कि आपको नॉर्मली एक एक बीच बीच में मिलते रहेंगे, बट एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ। तो अगर आपको अनलिमिटेड डायमंड चाहिए, या फिर आप है ना डायमंड बीकन बनाना चाहते हो पूरा का पूरा, या फिर डायमंड आपको बहुत ज़्यादा है किसी प्रोजेक्ट के लिए उसकी डिमांड है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ आप कहाँ पे जा सकते हो उसको माइन करने। तो सबसे जो बेस्ट लोकेशन है आपको मैं दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे आप डायमंड देख सकते हो, डायमंड की मोस्ट ऑफ क्वांटिटी है ना मोजैंग वाले ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब एक कोऑर्डिनेट पे नहीं रखा है उसको, -58 से लेके -30 के बीच में अलग अलग जगह पे उन्होंने डाल दिया है। मतलब -30 से -58 के बीच में आपको कहीं पे भी रैंडमली मिल सकता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको एक ही जो लोकेशन में आपको बताऊँगा वो है -58 और -57, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि माइनक्राफ्ट 1.60 और 1.70 में लोग है ना 11 या 12 पे मतलब कोऑर्डिनेट पे डायमंड माइनिंग करते थे ना Y11 12 पे, लेकिन अभी है ना Y-58 और -57 पे आपको ना मैक्सिमम डायमंड मिलने का चांसेस है, क्योंकि है ना मोजैंग वालों ने वहीं पे ज़्यादातर शिफ्ट किया है। मतलब एग्जैक्ट वही नहीं है, आपको ऊपर वाले कोऑर्डिनेट पे भी मिल सकते हैं, लेकिन जो अगर आपको मैक्सिमम चाहिए हो गए सबसे ज़्यादा, तो आपको -58 और -57 पे ही जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो जितना ऊपर जाऊँगा उतना डायमंड कम होगा। तो अगर आपको डायमंड चाहिए तो मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको है ना -58 और -57 में जाना पड़ेगा। -30 से नीचे आपको मिल सकता है, ऊपर भी मिलेगा बट बहुत कम चांस है, मतलब एक दो मुश्किल से मिलने का चांसेस है। तो मैं आपको जरूर देख सकती हूँ ये 12 लेवल पे है, ये पहला मेरे को डायमंड मिला है जो 12 पे है, जो कि काफ़ी रेयर है क्योंकि आसपास तो और नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आप कैसे डायमंड फाइंड करने जा सकते हो। तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और प्रिपरेशन में आपको पता है बेसिक चीज़ें चाहिए जो कि आपको पता होगा बट बता दूँ आपको। तो डायमंड आर्मर, अगर आप प्रो है तो कोई ज़रूरत नहीं डायमंड आर्मर आयरन आर्मर की, बिना इसी के जा सकते हो, प्रो बंदे तो बिना इसके जाते। लेकिन आपको है ना टॉर्च चाहिए होगा, अगर टॉर्च नहीं है ना तो एक नाइट विजन का पोर्शन ले सकते हो और स्वॉर्ड नॉर्मली किल करने के लिए। और आयरन की पिकैक्स मत ले जाना, बिल्कुल भी मत ले जाना, भले उससे डायमंड मतलब आप क्लेम कर सकते हो डायमंड तोड़ सकते हो, लेकिन आयरन की पिकैक्स बिल्कुल मत ले जाना। क्यों नहीं ले जाना मैं आपको आगे बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप लेके गए ना भूल के भी आयरन की पिकैक्स, तो आप तो भाई क्या ही बोलो, स्टार्टिंग में 3 है ना डायमंड कहीं से भी फाइंड कर लो, उसके बाद डायमंड की पिकैक्स बना लो और हो सके तो फॉर्चून ले लो। और हाँ, अगर आप चाहो तो इस तरीके से नीचे माइनिंग करने जा सकते हो। देख सकते हो ये अपना है ना सीढ़ी टाइप है, जो कि नॉर्मली जाते हैं, बट प्रो लोग डायरेक्ट नीचे डिगिंग करते हैं। और हाँ, फॉर्चून आप है ना विलेजर से ले सकते हो, अगर आपके पास मतलब इंचेंटिंग सेटअप नहीं है तो फॉर्चून लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अभी ना मैं आपको बताता हूँ कि आप आयरन की पिकैक्स की मत लेके जाना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, वो बहुत ज़्यादा बेकार है। और एक शवल तो ज़रूर रखना, क्योंकि ये बेकार की चीज़ें आते हैं। और डिग डाउन करोगे ना तो कुछ इस तरीके से 2x2 का करना, और ये मतलब कोल वोल भी कलेक्ट करते ना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उससे टॉर्च बना सकते हो रास्ते में। और अगर आपके पास आयरन फार्म नहीं है तो आयरन कलेक्ट करो, अगर आयरन फार्म है तो छोड़ दो, क्योंकि क्या ही बोल सकते हैं आयरन का क्या ही ज़रूरत है जब अगर आपके पास आयरन फार्म है तो। चलो सबसे पहले मैं नीचे चल लेता हूँ।
तो देख सकते हो मैं ना यहाँ पे ऑलमोस्ट नीचे आ चुका हूँ और -57 पे, और बट मैं -58 पे चलता हूँ। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको आयरन की पिकेक्स क्यों मैंने मना किया था, क्योंकि ये देख सकते हो ये डीप है, ये कबल डीप स्लेट है, और ये है ना आयरन की पिकेक्स से इतने घंटों में टूटता है कि क्या ही बोलूँ, मतलब आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। और हाँ, एक और चीज़, आप अगर टॉर्च लेके नहीं आ रहे हो तो आप जरूर से नाइट विजन का एड ऑन लगा लो या फिर नाइट विजन का पोर्शन पी लो। अगर आपको एड ऑन चाहिए तो मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ से ना मैं माइन करता हूँ, आप चाहो तो स्ट्रेट माइनिंग कर सकते हो या फिर 2x2 माइन कर सकते हो या फिर 2x5 माइन कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता होगा ये क्या है 2x2 2x5, तो बहुत सिंपल है, 2x2 का माइन करो, मतलब दो दो ब्लॉक एक साथ माइन करो या फिर 5-5 ब्लॉक एक साथ माइन करो, इसको कहते हैं। तो मैं ना कहीं और नहीं जाने वाला, मैं स्ट्रेट ही माइन करने वाला, क्योंकि वही काफ़ी लकी होता है। और अगर आप -58 पे हो तो आपको मिलेगा 100%, कोई भी डायरेक्शन में जाओ, थोड़ा टाइम लग सकता है बट मिलेगा ज़रूर, क्योंकि -58 पे सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं ना कहीं और नहीं चलता, थोड़ा बहुत स्ट्रेट माइनिंग करता हूँ आपके सामने और एकदम लाइव दिखाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि क्लिप कट कर दिया वहाँ पे लगा दिया, मैं बिना क्लिप कट किए आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, देख सकते हो बहुत, अरे मैं पता है कभी कभार हैरान नहीं होता, क्योंकि मैं ना काफ़ी टाइम से माइनक्राफ्ट करता हूँ और मुझे एग्जैक्ट पता चल गया कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा डायमंड मिल सकते और कहाँ पे नहीं मिल सकते। तो मतलब मुझे ना हैरानी नहीं होती अगर मुझे डायमंड मिल गया, तो मैं लकी भी नहीं समझता, क्योंकि माइनक्राफ्ट एक गेम है और हम गेम को है ना अच्छी तरीके से खेले और बहुत टाइम से खेलते तो प्रो बन जाते हैं और हमको आइडिया लग जाता है कहाँ पे क्या मिल सकता है, तो कुछ सरप्राइजिंग रहता नहीं है। तो ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट बता दिया, आप कहाँ पे डायमंड माइन कर सकते हो। और एक और चीज़ देख सकते हो, हमारे ना स्क्रीन के कोने कोने पे ना आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, तो जहाँ पे एंशिएंट सिटी होती है ना, अगर वहाँ पे आप जाओगे ना तो कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो इससे आपको एक प्रो टिप मिल गई कि अगर आपको है ना कुछ इस तरीके से डार्क डार्क आ जाता है कोने पे, तो समझ जाना कि एंशिएंट सिटी पास में ही है जहाँ पे वार्डन है, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको डायमंड मिल गया ना तो आसपास थोड़ा बहुत माइन कर लेना, इससे कुछ फ़ायदा तो नहीं है बट एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि ये और डायमंड है या नहीं, क्योंकि एक चंक खत्म होता है ना वहीं से दूसरा चंक स्टार्ट होता है, तो हो सकता है कि दोनों चंक है ना क्लोज हो ना, तो आपको पॉसिबल है कि आपको ना एक ही जगह पे ना दो दो डायमंड मिल सकते हैं, मतलब अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है कुछ मेरी बात है ना आपको समझ भी नहीं आ रही, क्योंकि मैं ना कुछ ज़्यादा ही डिटेल में जाके बात कर रहा हूँ, आपको नॉर्मली बताऊँ ना तो सिंपली -58 और -57 पर जाओ, वहाँ पे आपको भर भर के डायमंड मिलेंगे। और अगर आपको उतना नीचे नहीं जाना तो एटलीस्ट -30 के नीचे जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको भर भर के डायमंड मिल सकते हैं, लेकिन -58 और -57 पर बहुत मिलेगा। और मैंने आपको जो जो बताया वो टूल्स लेके जाना, अगर आपके पास नहीं है आप प्रो हो, मुझे पता है मोस्ट ऑफ लोग प्रो ही होते हैं माइनक्राफ्ट में, तो आप बिना किसी आर्मर के बिना किसी शील्ड के जा सकते हो, खाली एक डायमंड की पिकैक्स रखना, आयरन की भी ले जा सकते हो, बट सच बोलूँ ना डीप स्लेट माइन करते करते आपका हालत ख़राब हो जाएगा अगर आप में एफिशिएंसी नहीं हो, तो मैं आपको आयरन की पिकैक्स बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, भले उससे डायमंड माइन कर सकते हो। और मैं दोबारा से आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको एक भी डायमंड नहीं देखने मिलेगा एकदम प्लस कोऑर्डिनेट में, तो आप माइनस कोऑर्डिनेट में ही जरूर जाना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और अनलिमिटेड अगर आपको डायमंड मिलता है ये वीडियो देखने के बाद तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने आ जाना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक नए माइनक्राफ्ट के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।